हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस ओली के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ओली कैसे जाएं, ओली में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, ओली में आप कहां कहां पर घूम सकते हैं एंड ओली में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज को कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि ओली घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड इस पूरी ट्रिप को कम्प्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में ओली ट्रिप की पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ओली घूमने में बिल्कुल परेशानी ना हो सके। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों ओली घूमने आने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर ओली इतना फेमस टूरिस्ट प्लेस क्यों है। ओली उत्तराखंड का एक बेहद ही ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है, जो कि सी लेवल से 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओली फेमस है अपनी रोपवे के लिए, सेब के बाग के लिए, ओल्ड ओक एंड देवदार के पेड़ों के लिए एंड दोस्तों विंटर सीजन में यहाँ पर होने वाली स्नोफॉल के लिए भी ओली को काफ़ी फेमस माना जाता है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। भारी स्नोफॉल होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी स्नो एक्टिविटीज़ भी करने को मिलती है, जैसे स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग एंड स्नो बाइकिंग जैसी कई सारी एक्टिविटीज़। इन्हीं वजहों से ओली में लोग अपनी फैमिलीज फ्रेंड के साथ घूमने के लिए आते हैं एंड यहाँ पर कपल्स भी अपने हनीमून को यादगार बनाने के लिए आते हैं। दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं कि आप ओली तक कैसे पहुँच सकते हैं। ओली तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले अपने शहर से ऋषिकेश तक पहुँचना होगा और यहीं से आपकी ओली ट्रिप स्टार्ट होगी। ऋषिकेश से ओली की दूरी लगभग 260 किलोमीटर की है। अब आप अपने शहर से ऋषिकेश तक ट्रेन या फिर बस के माध्यम से पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश के लिए आपको भारत के कई बड़े शहरों से ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाती है एंड अगर आप बस के माध्यम से ऋषिकेश तक पहुंचना चाहते हैं तो आप दिल्ली, नोएडा या फिर हरियाणा से बस के थ्रू ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू ऋषिकेश तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको देहरादून के जोली ग्रेंट एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आना होगा एंड वहाँ से आप बस या फिर टैक्सी से ऋषिकेश तक पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश पहुँचने के बाद आप ऋषिकेश से जोशीमठ तक बस या फिर टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं। ऋषिकेश से जोशीमठ की दूरी लगभग 250 किलोमीटर की है। ऋषिकेश से जोशीमठ तक के लिए बस की टिकट प्राइस 800 रुपये से 1000 रुपये तक रहते हैं। आपको सुबह 6 से 7 बजे तक के बीच में ही बस से जोशीमठ तक के लिए निकलना होगा, बिकॉज रात होने के बाद बसें जोशीमठ के लिए नहीं जाती हैं। ऋषिकेश से जोशीमठ तक बस से जाने में आपको 9 से 10 घंटे का समय लग जाता है। आप शाम के 5 से 6 बजे तक जोशीमठ तक पहुँच जाएंगे। अब आपको जोशीमठ में पहुँचने के बाद वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। जोशीमठ में ठहरने के लिए आपको होटल्स मिल जाएंगे, जिनके प्राइस ऑफ सीजन में 800 रुपये से 1000 रुपये तक रहेंगे एंड ऑन सीजन में 1500 रुपये से 2000 रुपये तक रहते हैं। आपको उस रात जोशीमठ में ही ठहरने की व्यवस्था करनी होगी एंड जोशीमठ में ही आपको ढाबे एंड होटल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पर खाने पीने की समस्या नहीं होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको जोशीमठ में ही उसी रात में ओली तक जाने के लिए रोपवे की टिकट लेनी होगी। भीड़ होने की वजह से आपको मॉर्निंग में टिकट नहीं मिल पाती है। आप उस रात रोपवे की टिकट लेने के बाद होटल में स्टे कर लीजिए एंड नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में आप ओली के लिए रोपवे के थ्रू जा सकते हैं। रोपवे के टिकट चार्जेस आने जाने के 1000 रुपए पर पर्सन के रहते हैं, लेकिन ये रोपवे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक ही चलती हैं। आपको अगर रोपवे की टिकट नहीं मिलती है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपके पास दो और ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप टैक्सी बुक करके ओली तक जा सकते हैं, जो कि आपको जोशीमठ से ही 2000 रुपए से 2500 रुपए तक में 4 सीटर कार बुक हो जाती है। आप उस हिसाब से प्राइस चार लोगों में डिवाइड करके जा सकते हैं या फिर आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रैक करके जाने में आपका काफ़ी सारा टाइम लग सकता है, जिससे कि आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब आप ओली पहुंचने के बाद ओली में स्नो को एंजॉय कर सकते हैं एंड अगर आप समर टाइम में आए हैं तो आप यहाँ की हरियाली को देख सकते हैं एंड यहाँ पर आसपास की वैलीज को भी देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। ओली में आर्टिफिशियल लेक है, जिसे आप अपने कैमरे में ज़रूर कैप्चर कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल लेक समर टाइम में कुछ इस तरह दिखती है, ब्लू एकदम दिखती है एंड यही लेक विंटर टाइम में जम जाती है, जिसमें कि विंटर टाइम में यहाँ पर स्कीइंग देखने को मिलती है। दोस्तों आप ओली में एडवेंचर एक्टिविटीज़ को भी कर सकते हैं। आप स्कीइंग कर सकते हैं, स्कीइंग के चार्जेस 500 रुपये पर हावर के हिसाब से रहते हैं। आप स्कीइंग को इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ओली स्कीइंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इसलिए आप यहाँ पर विंटर में स्कीइंग को ज़रूर इंजॉय करें। आप स्नो बोर्डिंग कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 500 रुपये पर आवर्स के हिसाब से रहते हैं। आप स्नो राइडिंग कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 2000 रुपये तक रहते हैं एंड आप स्नो बाइकिंग भी कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 1000 रुपये तक रहते हैं। एंड दोस्तों यहां पर आप ट्यूब राइडिंग भी कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक पर राइड के रहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये सारी एक्टिविटीज़ विंटर में ही होती है, जब यहाँ पर भारी स्नोफॉल होती है।
इसलिए आप इन सारी एक्टिविटीज़ को स्नोफॉल के टाइम में ही इंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर आने से पहले यहाँ का वेदर ज़रूर चेक करके आएँ। आप उस दिन ओली में इंजॉय करने के बाद शाम को ही जोशीमठ में वापस स्टे करने के लिए जा सकते हैं, या फिर आप ओली में ही स्टे करना चाहते हैं तो ओली में स्टे करने के लिए आपको होटल्स मिल जाते हैं जो कि GMBN की तरफ से ही रहते हैं। इन्हें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन होटल्स की बुकिंग ऑनलाइन ही करके आएं, बिकॉज यहाँ पर आकर सीजन टाइम में काफी बुकिंग मिलना आसान नहीं रहता है। आप उस दिन ओली में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे गोरसोन बुग्याल के लिए जा सकते हैं, जहाँ से काफी ब्यूटीफुल व्यू आपको देखने को मिलेगा। गोरसोन बुग्याल ट्रैक 3 किलोमीटर का रहता है, जिसमें आपको नंदा देवी पीक, द्रोण एंड त्रिशूल पीक के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल वैलीज में गिनी जाती हैं। ट्रैक के दौरान आपको ओक के पेड़ों की भी खूबसूरती देखने को मिलेगी। ये ट्रैक 3 किलोमीटर का रहता है, इसलिए आपको इस ट्रैक के दौरान में काफ़ी सारे खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। एंड इसकी हाइट सी लेवल से 7800 फीट की रहती है। आप उस दिन वहाँ पर ट्रैक करने के बाद वापस ओली आ जाइए और ओली से ही शाम को वापसी जोशीमठ की कर लीजिए, जो कि आप रोपवे के थ्रू जोशीमठ तक जाएंगे। जब आप रोपवे के थ्रू जाएंगे तो आपको शाम के काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे रोपवे के थ्रू। आप उनको भी इंजॉय कर सकते हैं और अपने कैमरे में ज़रूर कैप्चर करिएगा। एंड उस रात आप जोशीमठ में ही स्टे कीजिए। दोस्तों अगर आप ओली में और भी दिन बिताना चाहते हैं और ओली के आसपास के और भी टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमना चाहते हैं तो आप क्वानी बुग्याल, चैन ऑफ लेक, नंदा देवी के लिए जा सकते हैं। दोस्तों आप उस रात जोशीमठ तक पहुंच जाएंगे तो आप जोशीमठ में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वापस बस या फिर टैक्सी के थ्रू ऋषिकेश तक पहुंच जाइए। एंड दोस्तों ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपकी ट्रिप का यहीं पर एंड हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप दिसंबर से मार्च के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं, बिकॉज इस समय यहाँ पर स्नोफॉल होती है एंड यही समय यहाँ आने का सीजन टाइम रहता है। ज्यादातर लोग स्नोफॉल को देखने के लिए ही ओली में आते हैं, तो आप भी स्नोफॉल को अगर देखने के लिए आ रहे हैं तो आप दिसंबर से मार्च के बीच में ही आइए। अदरवाइज आपको पूरे टाइम यहाँ पर हरियाली देखने को मिलेगी। एंड अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कम्प्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कम्प्लीट करने में 6000 से 6500 रुपए तक का खर्चा आता है 1 पर्सन का। दोस्तों इसमें मैंने आपका ऋषिकेश से ऋषिकेश वापस आने तक का खर्चा इंक्लूड किया है और जोशीमठ में ठहरने का, जोशीमठ से ओली रोपवे के थ्रू जाने का खर्चा इंक्लूड किया है। एंड इसमें मैंने आपकी किसी भी तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ के चार्जेस को इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको ओली ट्रिप की पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। अगर आप मसूरी ट्रिप के बारे में या फिर शिमला ट्रिप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।